पूरी रेलेवेंट है, इसको मत छोड़ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसको भी पैडागोजी कहाँ से करें इसमें डाउट है, उनके लिए हमने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज में, और अश्विन सर आपको टॉपिक वाइज करना चाह रहे हैं। टॉपिक वाइज मीन्स कि जो टॉपिक दिया है उसी के अकॉर्डिंग, मीन्स जैसे ये लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो देखिए, अगर अच्छी लगती है तो सही है। उसी के नीचे एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स, और ये होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, तो जो भी आना चाहे वो जरूर ले सकता है इस चीज को, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब आ जाओ ईवीएस के सिलेबस पे, जो आपका मेन चीज है। अब देखो ईवीएस के सिलेबस के लिए देखो मैंने कितनी चीजें खोल के रख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने देखी, इससे कई ज्यादा चीजें देखी है, और ये आप सबके लिए निकाला है फाइनल। अब देखो, ये है फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस की, और जैसे कि आपको पता है ये सारे थीम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब थीम ना उसमें ईवीएस के सिलेबस में फैमिली एंड फ्रेंड्स दिया हुआ है, पर फैमिली एंड फ्रेंड्स के भी ना चार सब थीम होते हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, और ये बाकी तो है फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, क्लियर है। तो ये मैंने देखी, इसकी है फिफ्थ की ईवीएस है ये, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये भाई कौन कौन, जैसे वाटर की थीम का है तो ये चैप्टर 6 दिया हुआ है, ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, शेल्टर की थीम का कौन सा चैप्टर 13, चैप्टर 14, ट्रैवल की थीम का चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, ठीक है। ऐसी चीजें दी हुई हैं एनसीईआरटी फिफ्थ क्लास की ईवीएस में, तो तुम्हें थर्ड टू फिफ्थ वाली ईवीएस तो करनी करनी है, और तुम्हें यह भी पता है कि वो यहां से क्वेश्चन नहीं देगा, है ना, क्योंकि ये इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई देना नहीं चाहेगा इन सबको, ठीक है। और ये आपको पहले से पता भी होगा, आप पढ़ के देखोगे थ्री टू फिफ्थ वाली ईवीएस, आपको पता रहेंगे कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये मेरे को आता है। अब जो चीज देखनी है वो देखो, जो चीज देखने की है ना ये देखो, ये भी अब वही है, ये है आपकी जो ईवीएस का सिलेबस है ना, मेनली वही दिया हुआ है, ठीक है। देखो फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप में सारी चीज, टॉपिक में से क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी जो ध्यान देने वाली बात ये नहीं है, अभी दिखाऊंगा आपको, जैसे एनिमल्स दे दिया, एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, ये है आपका ईवीएस का ही सिलेबस है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं प्लांट्स में, रूट्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, तो इसको मैंने ढंग से देखा, ये तो आपको थ्री टू फिफ्थ वाली ईवीएस तो करनी ही करनी है। अब देखो जो साइंस का सिलेबस है ना, साइंस का सिलेबस है, अब इसमें देखो लिखा हुआ है कि ईवीएस, जैसे आपको पता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग थ्री टू फिफ्थ में जो उन्होंने साइंस और सोशल साइंस है और जो लैंग्वेज है वो ईवीएस में डाल दी है, तो इसके लिए अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें बकायदा लिखा हुआ है, पोजीशन पेपर है ईवीएस का, ठीक है, कि क्या क्या इसमें ईवीएस में करना चाहिए, वो चीज है ये। तो इसमें देखो अब तुम, इसमें ये सिंपल लिखा हुआ है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसमें कि सोशल साइंस, साइंस और लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। और ये सारे जो कंसेप्ट है ना, ये आपको पहले जाना है आपको सिक्स्थ क्लास की साइंस में। तो ये देखो फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, मटेरियल्स, ये मटेरियल्स वाले भी चैप्टर करने हैं आपको, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, हाउ थिंग्स चेंज रिएक्ट विद वन अनदर, तो ये सारे मैंने टॉपिक देखे हैं आप लोगों के, ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने देख लिए हैं। ये है 7th क्लास की एनसीईआरटी पे चैप्टर्स, तो ये भी सारे आपके जो ईवीएस के हैं, जो थीम्स हैं उनसे मेल खाते हैं, आपको ये सारे करने हैं। तो 6th टू 8th की साइंस बिल्कुल ना छोड़े, 6th टू 8th की साइंस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। अगर आप सोच रहे हो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है तो प्लांट्स का टॉपिक है, करना पड़ेगा। अब सोच रहे हो इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स और मोशन एंड टाइम तो नहीं दिया हुआ, पर जिस आपका मैंने ये आपका ये दिया पोजिशनल पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखा, तो वो थिंग्स वी मेक एंड डू में आ जाएगा, जो हम करते हैं और जो हम बनाते हैं ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। तो ये मीन्स 6th टू 8th की साइंस मत छोड़े, पूरी करनी है 6th टू 8th की साइंस। उसके बाद अब देखो उसमें आ जाओ, उसमें क्या करना है, क्या बोलते हैं एसएसटी वाले टॉपिक में, एसएसटी वाले टॉपिक में मैंने ऐसे सिलेबस निकाल रखा है। इसमें देखो आपको इसकी भी अगर रिस्क नहीं लेना है तो इसकी भी 6th टू 8th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ले, 6th टू 8th की ज्योग्राफी, मैंने टॉपिक्स देखे, वाटर, एयर, नेचुरल वेजिटेशन, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हैं जो आपके
थीम से मेल खाते हैं, नेचुरल सोर्सेज है ना, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे के सारे वही टॉपिक है, तो ये देख लीजिएगा जरूर। क्लियर है? तो ये बात आई समझ क्या क्या करना है, ये बात आई समझ क्या क्या करना है ना। तो ये दिखा दिया मैंने आपको, तो अब देखो जरा मुझे बड़ा हो जाने दो, ठीक है? अब देखो क्या करना है, दिखा दिए कौन कौन से थीम्स हैं, क्या क्या उसमें डाला गया है, क्या करनी है, 3 to 5th की ईवीएस करनी है, पर वहां से सवाल नहीं बनाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है। क्या करना है, 6 to 8th की साइंस करनी है, 6 to 8th की ज्योग्राफी करनी है। फिलहाल ये दो चीजें करो, और भी चीजें मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये सारी रेलेवेंट है, 6 to 8th की साइंस और 6 to 8th की ज्योग्राफी, ये पूरी पूरी रेलेवेंट है, इसको मत छोड़ना। अगर एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो वो आपको बता दूंगा। प्लस जिस भी टीचर के आपके पास नोट्स हो ईवीएस की या फिर कोई भी बुक हो, वहां से भी ईवीएस पूरी कर लेना, ठीक है? ये थीम्स है, ये ब्रॉड चीज दी गई है, ये वो नहीं दी हुई कि स्पेसिफिक चीज दी हुई, ब्रॉड चीज डाल दी कि हाँ ये। और यही सेम थीम ना सी टेट वाले पेपर में भी आते हैं, तो सी टेट वाले जितने प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो सारे कर लेना, सी टेट के प्रीवियस ईयर सारे कर लेना। और रीट के पेपर में भी यही आते हैं, जो राजस्थान का टेट होता है ना उसके पेपर में भी यही थीम्स होते हैं, तो उसके भी प्रीवियस ईयर कर लेना तुम लोग। क्लियर? 6 to 8th की साइंस, 6 to 8th की ज्योग्राफी, सी टेट के प्रीवियस ईयर, जिस भी टीचर के आप पढ़ते हैं, फिर जो भी आपके सीबीएस के नोट्स हैं वो, और क्या रीट के प्रीवियस ईयर, उसमें भी सेम थीम्स है, तो ये कर लेना सारी चीजें। और क्योंकि सी टेट रीट का लेवल थोड़ा सी टेट से ऊपर होता है, तो रीट वाले तो जरूर करना तुम। क्लियर? तो ये बात आगे समझ, जो पेडागोजी का मैंने बताया उसकी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वहां जाके चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहां आगे की डिटेल्स मिल जाएगी आपको, ठीक है? और ऐसे ही सारे सारे टॉपिक वाइज आपको करा देंगे हम पेडागोजी। क्लियर है? तो चलो ठीक है भाई, और कोई कमेंट होगा ना, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में डाल देना, और कोई भी डाउट लग रहा है या फिर किसी भी चीज में क्या कुछ कैसे करें वो भी कमेंट में डाल देना, ठीक है? तो बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।